पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने क्या करता हूँ। बोलिए किशोर जी क्या कह रहे थे? नहीं मैं जफर की दो सीटें नहीं मिलेगी, सपना मत देखो। चुप कर बे कुत्ते। हाँ किशोर जी बोलिए। अरे भाई मैं तुमको समझा रहा हूँ, संन्यास मोदी जी लेंगे या हम लोग लेंगे ये जनता तय करेगी। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में आपकी हालत बहुत पतली है और इस बात से तुम नकारते होंगे, बंबई में रहते हुए तो आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। जुम करो जुम करो जुम करो। दूसरा आपने अनुराग को कहा है वायरस, देखिए वायरस तो देश को लगा है 10 साल से, उससे छुटकारा पाने के लिए ये चुनाव है, ये संदेश हमें देना। अच्छा ओके किशोर जी एक संदेश फिर से दोहरा दीजिए, क्योंकि आप जब भी आते हैं डिबेट में मेरी अक्सर ये बोल के जाते हैं राहुल गांधी पीएम बनने वाले हैं ना इस बार। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। तो अमेठी तो लड़ना चाहिए फिर, अमेठी लड़ेंगे नहीं तो फिर कैसे पीएम बनेंगे? नहीं वायनाड से तो आ ही रहे ना, तुम काहे को चिंता करते हमारी, माना कि इतनी चिंता करते हो। मैंने बता दिया ना, आ, 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 मैंने 1.5 साल पहले से बोला कि मैं जा रहा हूं। राहुल गांधी इज द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। मजा आया okay. वो प्राइम मिनिस्टर बनना तय है उनका okay. भारत की जनता ने तय कर लिया, अखिलेश है, तेजस्वी है, उद्धव ठाकरे है, शरद पवार है, दीदी है, सबने तय कर लिया है कि जो पार्टी 150 सीटों के ऊपर ले जाएगी उनका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। एक सेकंड रुक जाइए आप, एक सेकंड रुक जाइए। अच्छा अनुराग राहुल गांधी मंजूर है आपको पीएम के तौर पर, बता दीजिए भाई लगे हाथ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जाहिर सी बात वो कह रहे 150 सीटें 160 सीट जिसके सदस्य ज्यादा होंगे या सब लोग मिलकर जिसको तय कर लेंगे वो देश का प्रधानमंत्री हो जाएगा भाई, चुनना ही तो है। किशोर जी ने तो चुन लिया ना, वही तो पूछ रहा हूँ बाद में चुनेंगे मतलब राहुल गांधी ने चुन लिया। सुनो राहुल गांधी अखिलेश यादव, अरे राहुल गांधी अखिलेश यादव बताइए, राहुल गांधी अखिलेश यादव लोकतंत्र, ये देखो भारतीय जनता पार्टी की फिर आदत हो गई डिवाइड एंड रूल। देखो 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 देखो।